मैं हूँ श्रुति ऑन माय सेकंड नेचर एंड आज का पॉडकास्ट एपिसोड है माइक ऑफ तो टाइम टू गेट टू नो आवाज के पीछे की दुनिया क्या है कैसी है कैसे चलती है। तो पहले आपको तो पता ही है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ रेडियो पर्सनालिटी के साथ कि आवाज की दुनिया उनकी कैसी है। फिर बात की थी एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो कि बहुत सारे टीवी सीरीज करते हैं इनफैक्ट डायरेक्टर भी बन गए थे उनसे बात हुई थी। तो आज मुझे लगा कि एनिमेशन की दुनिया में थोड़ा घूम फिरने चलते हैं। तो आज की जो मेरी गेस्ट हैं उनकी आवाज सुपर फेमस है लेकिन वो खुद पर्दे के पीछे छुपी हुई सी रहती हैं। तो मुझे लगा कि आज क्यों ना सेकंड नेचर पे उनके सेकंड नेचर में हम थोड़ा सा झांके और उनसे बात करें ऑन माइक ऑफ। बात कर रही हूँ मैं अबाउट रूपा भिमानी। हेलो रूपा, हाउ आर यू? हेलो श्रुति जी, कैसी हैं आप? Amazing. मैं आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एक कार्टून कैरेक्टर से डायरेक्टली बात कर रही हूँ। इट इज फैंटास्टिक। अरे अरे श्रुति बेटा, वो कार्टून कैरेक्टर की आवाज करती है पर खुद कार्टून नहीं है, ठीक है? रूपा, यू आर माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। थैंक यू। तो पहली तो छुटकी थी, करेक्ट? हाँ, और दूसरी थी टुनटुन मासी। टुनटुन मासी, हाँ, लवली। मेरे लड्डू तो सब जगह फेमस है श्रुति। वाह 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 वाह, टू मच। तो रूपा, लेकिन अब आपकी ओरिजिनल आवाज में थोड़ा रिवाइंड मारते हैं लाइफ में। मैं ढूंढ लूँ कहाँ है आवाज। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, मतलब कब लाइफ में पहली बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा यार ये तो बड़ी अच्छी दुनिया है, यहाँ पे तो और मैं कुछ कर भी सकती हूँ, तो वो कैसे हुआ था? एक्चुअली तो कभी सोचा नहीं था कि मैं वॉइसिंग में जाऊंगी। बहुत छोटी थी तब मम्मी मुझे स्टेज पर चढ़ा देती थी स्कूल पर और स्कूल में, और काफ़ी एलोकेशन कॉम्पिटिशन्स में प्राइज लेके आती थी। लेकिन फिर भी इतना कोई मुझे अट्रैक्शन नहीं था, लेकिन लिखती बहुत थी। तो वही एक बार एक स्टोरी लेकर, आई मीन मुंबई समाचार में मेरी स्टोरीज, कहानियाँ, पोएम आते थे। 9 साल की थी तब से लिखती थी। 19 की हुई तो ऑल इंडिया रेडियो पर अपनी कहानी लेकर पहुंच गई। उन्होंने मुझसे कुछ प्रोजेक्ट भी करवाए। उसके बाद एक दिन कहा कि यहाँ पर कैजुअल बेसिस पर प्रोडक्शन असिस्टेंट की जरूरत है, वुड यू बी इंटरेस्टेड? और सीखने का मुझे गजब का शौक है। तो मैंने वो टेक्निकल चीज से शुरुआत की। तब स्कूल पे रिकॉर्डिंग होती थी ऑल इंडिया रेडियो में, राइट? और मुझे इतना मजा आता था, ड्रामा रिकॉर्ड करती थी। फिर वहीं मैंने 50 से ज्यादा ड्रामा लिखे। वाओ, अपनी एज से काफी एडवांस ड्रामा लिखती थी। और मैं रिकॉर्डिंग करती थी तब मैं बताती नहीं थी कि ये मेरे लिखे हैं, क्योंकि बहुत छोटी दिखती थी। और जब गुजराती थिएटर के बड़े बड़े आर्टिस्ट उस पर परफॉर्म करके कहते थे अरे मजा आया यार, कुछ हटके था। तो इतना अच्छा लगता था। अमेजिंग, अमेजिंग। और वहीं से बस अनाउंसर, उसके बाद में न्यूज रीडर फॉर साउथ अफ्रीका, वहीं पे एक चैनल थी। और विविध भारती के लिए मैंने काफी सारे प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए। हवा महल, जो हमारे लिए सच में एक ड्रीम होता है, उसे भी रिकॉर्ड करने का मौका मिला। और बड़े बड़े धुरंधर अनाउंसर्स के साथ, मतलब ये सारे लोग का इतना मेरे में इनपुट है। इन सबको सुन सुन के ना मुझे लगता है कि शायद मैं बनी हूँ। और उसके बाद में मैं गई वनमाली जी के पास, बहुत ही रेप्यूटेड वॉइसिंग एजेंसी। मुझे 6 बार रिजेक्ट कर दिया। What? रेडियो की अनाउंसर, ड्रामा आर्टिस्ट, लेकिन फिर भी, और एक भी बार उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी मिस्टेक कहाँ हो रही है, मुझे क्या करना है। उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कही, बहुत अच्छा है, थोड़ा और सुन के आओ, थोड़ा और प्रिपेयर होके आओ। घर गई, सबको सुनती थी, फाइंड आउट करती थी। और उसके 6 रिजेक्शंस के बाद जो मेरी जर्नी शुरू हुई, कभी पूछे मुड़ के देखा नहीं मैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कितना आपको ये जो टेक्निकल आपकी पहले जर्नी रही बिफोर एक्चुअली बिकमिंग अ प्रॉपर वॉइस एक्टर, आपको क्या लगता है कि उस टेक्निकल ने कितना मदद किया आपको? टेक्निकल ने मुझे इतना कॉन्सेंट्रेट करने में मदद किया, क्योंकि मैं सबको बहुत ध्यान से, बारीकी से सुनती थी। और शायद मैं एज ए लिसनर इतना नहीं सुनती, क्योंकि हर एक छोटी छोटी चीज, हर एक रीटेक पे मुझे पता चलता था कि क्या कहाँ मिस्टेक हो रही है, कौन सी चीज दिल को सबसे ज्यादा छू रही है। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि जब मैंने टेक्निकल तो बाद में छोड़ दिया, उसके बाद में मैं वॉइसिंग में आ गई। और आज इतने साल के बाद जब हमारे ये लॉकडाउन में वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ, और कंप्यूटर से मेरा कोई लेना देना नहीं था, काफी साल से सब छूट गया था, क्योंकि जाओ गला
लेकर जाओ, रिकॉर्डिस्ट आपकी रिकॉर्डिंग करे और आप बस पूरा फोकस करो स्क्रिप्ट पे और इस पर वॉइसिंग पे। लेकिन लॉकडाउन में घर से न्यू एंडो पे काम करना शुरू किया, तो पहले हस्बैंड ने सीख ली और बाद में उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सिखाई और वही चीज, वही मशीन के साथ जो मेरा अटूट नाता था, प्यार था, वो आज भी ना काफी लोगों ने स्टूडियो से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है जी। लेकिन मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि मुझे घर से इतना मजा आ रहा है, मैं भी सेम हो रहा है। सिर्फ ये लैपटॉप मुझे बिना वही रेडियो स्टेशन की मशीन याद दिलाता है। करेक्ट करेक्ट, मुझे कि वो टेक्निकल वो घूम के वापस आ गया। तो मुझे बताइए अब अगर थोड़ा मतलब एनिमेशन से शुरू किया है हमने आज का एपिसोड, तो उसके बारे में और गहराई में बात तो बनती है। तो आप जब सबसे पहला कैरेक्टर आपने कौन सा किया था एनिमेशन में? एनिमेशन में पहले डबिंग होती थी, जैसे कि पायलट जापानीज हो या इंग्लिश हो, उसके ऊपर हम लोग हिंदी डायलॉग सिंक करके करते थे। और मैंने कमर्शियल्स काफी रिकॉर्डिंग की। उसके बाद में ईटीवी गुजराती लॉन्च हो रहा था, अच्छा, और उसके लिए मैं गई थी एक सीरियल के ऑडिशन के लिए, सैलाब था उस टाइम पे, तो रोहिणी हातंगड़ी जी की वॉइस के लिए उन्होंने ऑडिशन लिया। अच्छा। अब कमर्शियल्स में क्या होता है, 15 सेकंड का टाइम और यहाँ पे आपको 25-30 मिनट्स या 50 मिनट्स का एपिसोड डब करने, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। वहाँ पे हम लोग एक एक घंटा 15 सेकंड के रिकॉर्डिंग पे डालते हैं, यहाँ पे स्पीड वाज मोर इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। तो जो ऑडिशन था, वो ऑडिशन के बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि हम लोग 10 एपिसोड का लॉट निकालेंगे, आपको ये अमाउंट देंगे। अमाउंट काफी कम थी लेकिन एक सीखने का बड़ा शौक था। तो वो 2 घंटे के ऑडिशन समझो या ट्रायल समझो, उसमें मैं फुल प्रिपेयर्ड हो गई। और दूसरे दिन से हसरते करके जो सीरीज थी उसमें लीड वॉइस के लिए ऑडिशन अप्रूव हो गया, और उसके बाद में फिल्में, फिर 40 एंजल्स करके मूवी आई थी, उसमें कैमरन डियाज का मैंने कैरेक्टर किया। फिर साउथ इंडियन मूवीज जो बहुत सारी की, उसमें एक मुंबई की किरण भी थी, मैंने कितने साल पहले की है, लेकिन आज भी जब टीवी पे आते हैं तो लोग उतने ही इंटरेस्ट से देखते हैं। उसके बाद में अभी मैंने अनुराग कश्यप की गेम ओवर की, उसमें तापसी पन्नू के साथ जो कलमा का कैरेक्टर है, थ्रू आउट द फिल्म है, काफी अलग अलग शेड्स है उसके, वो भी मुझे बड़ा मजा आया। उसके बाद में मैंने अभी नेटफ्लिक्स के लिए एक सीरीज की, ऑरेंज इज न्यू ब्लैक, ये बहुत ही हटके है क्योंकि यहाँ पे सेंसर नहीं है। करेक्ट। तो अभी तक हम लोग स्क्रीन पे, मतलब अगर कुत्ता रहता है तो कुत्ते को कुत्ता नहीं बोलते, हम लोग डॉगी बोलते हैं। क्योंकि वेरी ट्रू। हाँ, क्योंकि ये सारे रूल्स है जो बच्चों पे या व्हाटएवर द रीजन कि हमें ये वर्ड्स यूज नहीं करना है। आई नो, उस सीरीज में तो इंग्लिश में तो बहुत सारी गालियां हैं, बहुत सारी गालियां। वही मैं बोल रही हूँ कि वहाँ डॉगी कुत्ते को हम लोग डॉगी कहते, यहाँ इंसान को बिंदास हम लोग कुत्ता कह रहे थे, और मेरी डिक्शनरी में जो अब्यूजिव वर्ड्स में 2-3 थे, अभी उस वो सीरीज की बात, इतनी नॉलेज बढ़ गई है। और वो पूरा हटके एक्सपीरियंस था, मतलब यू नो इट्स अ नेवर एंडिंग लर्निंग प्रोसेस, सीखते जाओ नए नए लोगों के साथ, बड़ा मजा आता है। तो जब आप ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हैं, आप मान लीजिए जैसे आपने पहले हमें थोड़ी सी चुटकी की आवाज सुनाई, तो जब आपको याद है जब आप पहली बार गई थी, उनका क्या ब्रीफ था और आपने खुद में क्या सोचा कि ऐसी आवाज होनी चाहिए इस एनिमेशन कैरेक्टर की, या टुनटुन मौसी की दे रही है तो ऐसी होनी चाहिए, तो आपके दिमाग में कैरेक्टराइजेशन को लेके क्या चलता है कि आप फिर वैसी आवाज निकालती हैं? एनिमेशन में ना 2 टाइप के होते हैं, एक में जिसमें हम लोग ऑलरेडी एनिमेशन बना हुआ है उस पर अपनी वॉइस मैच करते हैं, उस कैरेक्टर को फुल्ली पकड़ते हैं, और उसके बाद में उसकी डबिंग होती है। अच्छा। चुटकी से, छोटा भीम से ये शुरुआत हुई, आई थिंक उसकी पहले मुझे याद नहीं कि ऐसी कोई सीरीज बनी हो, यहाँ पहले रेडियो प्ले बनता है, उसके बाद में उसके ऊपर एनिमेशन बनते हैं, और 2-3 महीने के बाद वही एपिसोड्स वापस फिलर्स के लिए या रिएक्शंस के लिए आते हैं, या कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है कि जैसे डायलॉग नजदीक से बोला है लेकिन वो है दूर से। तो इसमें क्या होता है कि आर्टिस्ट को ना पूरी क्रिएटिविटी का मौका मिलता है, जैसे उसमें कभी कभी पिक्चर्स भी देते हैं कि ये एनिमेशन बन के ये ऐसा दिखेगा कैरेक्टर, और उसके साथ में जो डायरेक्टर्स रहते हैं वो कमाल के रहते हैं। तो हमारे साथ अमरकांत दुबे जी थे जो विविध भारती पे अनाउंसर भी और काफी कुछ कर चुके हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी बहुत था, और वहीं से आई थिंक मॉड्यूलेशन की शुरुआत भी हो गई मेरी, कि मुझे पता चला कि मैं इतनी सारी आवाजें दे पाती हूँ। तो काफी बार ये भी होता है कि कैरेक्टर की एज के लिए उन लोग क्लियर नहीं रहते,
सबके ऑडिशंस जाते हैं, उसके बाद उन लोग सोचते नहीं 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 ये सीरीज के लिए हम लोग इनको 5 साल का नहीं 7 साल का रखते हैं, है 2 ही साल का फर्क लेकिन उसको वॉइस से डिफरेंट बनाना और उसी वॉइस में रोना, उसी वॉइस में हंसना चीखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इन सब के मिले जुले, और सेकेंडली जो हम लोग एक ही एज के बच्चे हैं और इस सीरीज में एक जो मेन कैरेक्टर छोटा भीम वत्सल करता था उसके अलावा बाकी सारे लेडीज थे, मतलब काफी एज में बड़े। अब उस बच्चे के साथ ना हमको बड़ा दिखना है ना छोटा दिखना है, और मैं तो जनरली सारे ये सुपर कैरेक्टर्स रहते हैं उनकी फ्रेंड रहती हूँ, मतलब 10 साल का रहता है तो उसी हिसाब से, 5 साल का रहता है तो उसी हिसाब से वेरी नाइस। हाँ तो वो बड़ा मजा आता है कि और शुरू में हम लोग प्ले जैसे करते थे, सब एक साथ इकट्ठा होके करते थे, बड़ा मजा आता था। वॉइस में उन लोग ने काफी बार चेंजेस करवाया कि नहीं इसको ये बनाओ, इसको थोड़ा बुलबुली बनाओ, चुलबुली बनाओ, और उसके बाद में एक कैरेक्टर फिक्स हुआ। उसके बाद में कुछ एपिसोड्स के बाद वो आवाज हमारे में आने लगी कि बस हाँ ये इस टाइप का ही आवाज है। Correct. और तब ना काम कम होता था तो हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते थे, बहुत ज्यादा याद रखते थे कि ये ऐसा है। अब तो कैसा हो गया कि उसके बाद में लाइक एक दिन में 5 से 6 हाउसेस में जाते हैं तो हर जगह पे अलग अलग कैरेक्टर करते हैं। तो अभी एक स्टूडियो से निकले वो आवाज भूल जाओ, दूसरे स्टूडियो में वो जो लास्ट हफ्ते की है उस आवाज को याद करके फिर से उसी में आप आ जाओ। दिखता बहुत इजी है लेकिन बहुत मुश्किल होता है। इनफैक्ट मैं वही आपको सुन के ना मैं वही सोच रही हूँ कि अगर ऐसे 7-8 कैरेक्टर्स करने हो और एक ही दिन में सबकी आवाज निकालनी हो, मतलब तो आप क्या करते हो उसके लिए? डू यू डू सम रियाज, या आप मेडिटेशन करते हो, या जनरली लाइफ में आप क्या करते हो ताकि आपके वर्क में इस टाइप की मदद मिले? यू नो आई यूजली कॉल दिस द वॉइस जिम, के आवाज के लिए रियाज, जो जैसे सिंगर्स रियाज करते हैं वैसे वॉइस एक्टर के लिए आप क्या करते हो? लकीली मेरी आवाज में ना ज्यादा बाहर के फैक्टर से फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन एक है कि कुछ ज्यादा अच्छी डबिंग करनी है या मैंने ज्यादा ओवर डबिंग कर दी है और उसका नेक्स्ट डबिंग पे इफेक्ट ना पड़े तो बीच में मैं रेस्ट ले लेती हूँ, मतलब टोटल मौन, किसी से कुछ भी नहीं बोलना, मुंह ही नहीं खुलती 2-3 घंटे के लिए। wow. इशारों में बात कर लेती हूँ या रीडिंग या ऐसा कुछ कर लेती हूँ, वो गले को जो आराम मिलता है ना वो वापस आ जाता है। और कभी कभी होता है कि चुड़ैल जैसे या राक्षस वाले कुछ कैरेक्टर्स करते हैं जैसे कैसे उसके, जैसे कैसे जैसे कि छोटा भीम में ही 2 चुड़ैल है, एक अच्छा। अच्छी चुड़ैल एक बुरी चुड़ैल। छोटा भीम में अभी आपने 2 वॉइस सुनी लेकिन मेरी 4 वॉइस थी टोटल, छोटा मन्नू और अच्छी चुड़ैल की भी वॉइस थी। तो अच्छी चुड़ैल कैसे बात करती है? कुछ ऐसे बोलती है, बेटा तू फिकर मत कर, मैं हूं ना, मैं तुझे ले जाऊंगी। I'm so scared right now. ये अच्छी चुड़ैल भी इतनी लेकिन इस आवाज में बात करने के बाद डेफिनेटली आपको आराम की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वो चुटकी वाली आवाज निकालने के लिए तकलीफ होती है। करेक्ट, माय गॉड, और आपकी नेचुरल आवाज से तो पता ही नहीं लगता है कि आप ऐसी आवाज भी निकाल सकती है। so, वो जो आपका यू नो एक ऑक्टेव से दूसरे ऑक्टेव में और फिर वहीं रह के पूरा एक्सप्रेशन देना, मतलब दाद देनी पड़ेगी। वेल डन, ये तो बहुत ही कूल है। लेकिन अगर आज जैसे कोई शुरुआत कर रहे हैं, यू नो कोई नए वॉइस एक्टर्स हैं या जो इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, उनके लिए आप ऐसे कोई 2-3 यू नो टॉप चीजें क्या आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि जो उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या उनको जनरली काम में और लाइफ में करना चाहिए अगर उन्हें इस फील्ड में घुसना है? पहली बात तो जैसे मुझे सिखाया गया था कि काफी कुछ सुनना चाहिए, क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हमें जब मौका मिलता है तो हम बोल पाते हैं। तो सेकेंडली इसमें वॉइसिंग में भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एनिमेशन में ही आओ, क्योंकि एनिमेशन में थोड़ा ओवर द टॉप परफॉर्मेंस रहता है तो सबको ये नहीं जमता है। लाइव कैरेक्टर की डबिंग रहती है तो उसमें आपको उसी कैरेक्टर को फॉलो करना होता है, IVRs रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और हर एक आवाज़ की ना अपनी ज़रूरत होती है। मतलब यू डोंट नीड टू हैव अ वेरी गुड एंड स्वीट वॉइस, लेकिन आपको जो भी आप कर रहे हो ना उस कैरेक्टर को अपना बनाने की एक आप में टैलेंट होनी चाहिए। तो आप जिस में जाते हो आप भूल जाओ कि आपके आजू बाजू में कौन है। और शुरू में तो मुझे लगता है कि सिर्फ डायरेक्टर को 100% सुनो, अपना सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि उनको सुन सुन के हम लोग जो तैयार होते हैं और उसके बाद में अभी आज भी इतने सालों के बाद भी कभी कभी क्या होता है, डबिंग में जाती हूँ तो पहले देख लेती हूँ कि
उन लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि समटाइम्स डायरेक्टर राइटर दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे वांट, तो मुझे अपना सब कुछ भूल के 100% उनको फॉलो करना है. और कहीं कहीं कुछ स्टूडियो में क्या होता है, उन लोग कहते कि अब देखो ना इसमें क्या हो सकता है, तो उसमें ना मैं काफी सारे वेरिएशंस बता पाती हूँ. लेकिन कुछ आर्टिस्टों के साथ क्या होता है कि उन लोग सुन नहीं पाते कि वो क्या कह रहे हैं. शुरू में मेरे साथ भी दिक्कत होती थी कि मेरा अपना कुछ था नजरिया कि मैं ऐसा करूंगी, और सामने से जो मुझे कह रहे हैं वो मेरे तक पहुंचता नहीं था. फिर पता चला कि आई हैव टू फाइंड आउट कि पहले सुनना है कि अपना दिखाना है, और उसके बाद में. तो आई थिंक सब कुछ सुनो और प्रैक्टिस करो. सिर्फ आवाज में मॉड्यूलेट करके शुरू करना तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको कंटिन्यू करना, उसी आवाज में चीखना, रोना, हर एक एक्सप्रेशन में वही कैरेक्टर कंटिन्यूसली दिखना चाहिए. तो ये प्रैक्टिस से हो जाता है. और रिजेक्शन से कभी भी मत डरो, क्योंकि हर रिजेक्शन कुछ सिखा के जाता है. जरूरी नहीं कि रिजेक्शन मतलब आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं हो. रिजेक्शन मतलब आप जो डिलीवर कर रहे हो वो एक्सपेक्टेड नहीं है. उनका एक्सपेक्टेशन और आपकी डिलीवरी कुछ डिफरेंट है. करे. तो बस उसको मैच कर लो. लेकिन हर रिजेक्शन सीख के तो आओ कुछ करे. कि क्या गलती की, और नेक्स्ट टाइम अगर चांस मिला तो कैसे मैं इसको ये करूँ. आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली. आपने कहा कि आपकी जो आवाज है आप प्रैक्टिस करो, लेकिन कभी कभी ना बहुत लोग बोलते रहते हैं प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें, क्या करें, बहुत लोगों को यही समझ नहीं आता कि ठीक है समझ आ गई, वहां से रिजेक्ट होके आ गए कि अच्छा ये आवाज आपकी सही नहीं लगी, उनसे पूछा कि क्या अच्छा नहीं लगा, नहीं बस कुछ बैठा नहीं. अब उसके अंदर पता नहीं लगता कि कैसे बैठा नहीं को कैसे ठीक करें. या सबसे इजी रास्ता ये है कि अगर आप एनिमेशन में कुछ करना चाहते हो तो बच्चों की कहानियां लेकर घर में पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि उसमें हर एक टाइप के वो आ जाते हैं एक्सप्रेशंस. जैसे आप बिल्ली का कैरेक्टर कर रहे हैं तो वो बिल्ली चीखेगी भी, वो रोएगी भी, और उसी को आप अभी तो मोबाइल हो गया है, मोबाइल पे रिकॉर्ड कर लो और उसी को सुनो या अपने दोस्तों को सुनाओ. राइट. वैसे ही कोई कैरेक्टर है जिसके लिए आपको पता है मुझे इसकी आवाज के लिए ऑडिशन देने जाना है, तो घर पे 3-4 बार लाउडली रीड करो, उसी को सॉफ्ट टोन में रीड करो, उसी को थोड़ा लाउड एक्सप्रेशन के साथ रीड करो और खुद ही सुनो. क्योंकि अगर हमें सुनना समझ में आ गया तो बोलना बहुत आसान हो जाता है. वाह वाह क्या बात बोली. सुनना समझ आ गया तो बोलना आसान हो जाएगा. वेरी नाइस. सो नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, वेयर ऑल आर वी गोइंग टू हियर यू, कहां कहां पे आपकी आवाज का जादू छा रहा है, प्लीज टेल अस अबाउट दैट. जैसे कि अभी ऑडिबल के लिए मैंने दो से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स की, उसमें से एक द्रौपदी मुझे बहुत पसंद आई. वैसे ही बहुत सारी बुक्स करना चाहती हूँ. एक रेडियो सीरीज़ भी की, काफ़ी सारे एनिमेशंस के नए ऑडिशंस दिए हैं. अभी एनिमेशंस में मुझे लगता है अब तक 25 से 30 टाइप की आवाज़ निकाल चुकी हूँ. तो लाइक मैं सोचती हूँ कि इससे भी ज़्यादा क्या करूँ. अभी होता ये है कि कभी कभी तो ऑडिशन के लिए जाती हूँ, 6 या 7 कैरेक्टर्स दिए हैं तो पहली आवाज़ में उन लोग कहते हैं हाँ बेस्ट है, आप नेक्स्ट ट्राई करना चाहोगे. और एक सिर्फ मेल वॉइस के अलावा 2 से 80 साल के बीच में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबकी आवाज निकल आती है. तो मैं सोचती हूँ कि अभी सारी रीजनल लैंग्वेजेस है उसमें मैं ये करना शुरू करूँ. मैं पढ़ी तो गुजराती मीडियम से हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं इंग्लिश में भी इतना काम करूं. Correct. मतलब हर एक चीज, जो चीज मेरे लिए नामुमकिन है वो करके दिखाऊं. अभी मैं भोजपुरी, मैथिली, बुंदेलखंडी, उर्दू, मराठी, सारी लैंग्वेजेस में डबिंग करती हूँ. माय गॉड, यू नो यू आर सच एन इंस्पिरेशन राइट नाउ. आपको सुन के ना मेरे को रोंगटे खड़े हो रहे हैं अभी मेरे. क्या बात कर रही श्रुति जी, आप तो खुद ही इतनी टैलेंटेड हैं. श्रुति जी इतना रिस्पेक्ट दे दिया. नहीं प्लीज कंटिन्यू. हाँ, अपनी इंडियन लैंग्वेजेस तो ट्राई कर रही हूँ, उसके साथ मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इंग्लिश में भी ज्यादा काम करूँ. तो अभी चल रहा है कुछ ड्रामा भी लिख रही हूँ मैं तो. हाँ. मुझे लगता है वो जो रेडियो के बीते हुए दिन है. हाँ. लेकिन अभी ये हो रहा है कि तब मैं जस्ट बिगिनर थी, न्यू कमर थी. जी. आज मैं एक रेप्यूटेड या एस्टैब्लिश कह सकते हैं. तो लाइक यू नो एक लिखने में कॉन्फिडेंस में भी फर्क आ जाता है. हाँ. आप जो कहना चाहते हो. हाँ.
वॉइसिंग के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ। अभी छोटी छोटी मैंने वीडियो क्लिप्स बनाई थी लॉकडाउन में, उसमें डायरेक्शन और घर के लोगों को आर्टिस्ट बना के मैंने बनाया था, लेकिन लोगों को इतना पसंद आया तो आई एम थिंकिंग कि सोशल मैसेजेस वाले क्लिप्स बनाऊं और जिसमें मैं डायरेक्शन भी करूँ, राइटिंग भी करूँ, एक्टिंग भी करूँ। करेक्ट, वेरी नाइस। तो इफ समबडी वांट्स टू चेक आउट आपका सारा काम एंड एवरीथिंग सोशल मीडिया पे, वो कहाँ पे देख सकते हैं? YouTube पर एक रूपा भिमानी दिल से करके है। अच्छा। उसमें अभी तक तो मैंने इतना नहीं डाला है, लेकिन अभी मैं रेगुलरली डालना शुरू करूंगी। यस प्लीज, बिकॉज़ हमारे जैसे लोग हैं जो आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप वहां पे क्या काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज वी वॉन्ट टू मेक रूपा मोर फेमस देन छुटकी, बिकॉज छुटकी को तो सब जानते हैं। थैंक यू सो मच। और सच में ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या होता था शुरू में ना, मेरी एक पहचान बन गई, उसके बाद में चुटकी से अलग पहचान बन गई। तो जहाँ जाती थी उसके पहले एक हागे मारू करके सीरीज आती थी, तो वो भी लोगों को पसंद थी, तो उन लोग ना आवाज सुनते थे तो बोलते कि वो उसकी मॉम की वॉइस, वो ना थोड़ा गुजू टोन वाली थी। अरे रे रे ये हागी बेटा चाय तो पी ले। वो लोगों को इस श्रील सी आवाज लेकिन बहुत पसंद आ गई थी। उसके बाद में जहाँ जाती थी चुटकी, अब मैं सोचती हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक ऑडिशन तो नहीं, प्रोजेक्ट भी हो गया उसका। हर एक मॉडल आकर स्क्रीन पर अपने बारे में बताती है, तो उसमें वो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड से वो आवाज डबिंग आर्टिस्ट की चलती रहती है कि मेरी हाइट ये है, ये है, ये है, आई वॉन्ट टू डू दिस, और उसमें एंड में ये बोलना रहता है सेक्सी वॉइस में। तो वो जो डायरेक्टर था, तो मैंने पहले से कह कर रखा था, इनको बताइएगा मत कि मैं चुटकी की वॉइस करती हूँ। क्योंकि तो रोल नहीं मिलेगा उनको, समझ रोल नहीं मिलेगा और उनके मन में वो मुझे सुन ही नहीं पाएंगे। तो वहां जाने के बाद जब माइक में मैंने पहली बार कहा कि और कुछ डायरेक्टर ने कहा बस हो गया, हमारे तीन कैरेक्टर्स आप कर रही हैं। आई वाज सो हैप्पी, मैंने कहा गुड, मैंने इनको बताया नहीं, अच्छा किया। हाँ, मतलब ऐसे आड़े भी आ जाता होगा ना कभी कभी कि आप, हाँ, क्योंकि बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे आपने कहा कि रूपा भिमानी, लेकिन वो रूपा भिमानी की जो इमेज बन गई है, उसके अलावा बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो आई वॉन्ट टू डू कि हर एक कैरेक्टर के साथ एक नई नई इमेज बनती जाए। हाँ, तो नाउ आई अंडरस्टैंड थोड़ा थोड़ा कि क्यों पर्दे के पीछे रहना भी थोड़ा सा जरूरी है, ताकि ज्यादा लोगों को अगर ना पता लगे तो आप और ज्यादा कैरेक्टर्स कर सकते हो। सो टू फाइंड दैट राइट बैलेंस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। सो थैंक यू सो मच, आज आपने इतना समय निकाला और मेरे साथ ये पूरा डिस्कशन किया। आई एम सो पम्प्ड नाउ लिसनिंग टू यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या क्या किया हुआ है आपने, अब धीरे धीरे यू नो हम सबको ऐसे पंख फैला के सीखने की जरूरत है। सो इनफैक्ट डू यू टीच ऑल्सो, या ऐसा कुछ है फ्यूचर में प्लान कि अगर कोई लोग आके आपसे सीखना चाहें या कोई क्लासेस लेना चाहें वॉइसिंग की, तो आप वो सब सोच रही हैं? मैंने सोचा तो है काफी कुछ, लेकिन उसमें क्या है कि वो थोड़ा टाइम ज्यादा मांग लेता है जी, जरूर। और उसमें मुझे अभी करना ही बहुत कुछ बाकी है। हाँ। तो पहले मैं सीख लूं, और हर एक प्रोजेक्ट के साथ यंग डायरेक्टर्स आ रहे हैं, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है। हाँ। तो लाइक मेरे सीखने का ही खत्म नहीं हो रहा है, कहाँ से सिखाऊंगी। आई एम विद यू, वेरी गुड। 20-30 साल बाद बात करेंगे सिखाने की, अभी पहले खुद सीख के अप्लाई करें। फैंटास्टिक रूपा, इट वाज सो वंडरफुल फुल टॉकिंग टू यू। मुझे ऐसे अंदर से खुशी हो रही है दिल में राइट नाउ टॉकिंग टू यू। और एक बात मैं आपके बारे में बताना चाहूंगी। मेरे बारे में? हाँ, सच बताई तो रउआ बहुत ही क्यूट बानी। नेक्स्ट टाइम हम सोचत बानी रउआ के ही इंटरव्यू ले लेनी, रउआ हमसे भी ज्यादा मीठा बोले नी। आई होप समझ गई होंगी आप। हाँ हाँ, समझ गई मैं, समझ गई, बिल्कुल समझ गई। बट थैंक यू सो मच, एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि आप क्या क्या नेक्स्ट करेंगी, और हमें जरूर बताते रहिएगा ताकि हम भी उसे और ज्यादा प्रमोट कर सकें और देख भी सकें। सो थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय रूपा, थैंक्स, बाय बाय, सी यू। How absolutely amazing was that? तो ये है माइक ऑफ ऑन माई सेकेंड नेचर। हाँ, माइक के पीछे वाली दुनिया कुछ ऐसी ऐसी भी दिखती है। सो लाइक रूपा टोल्ड यू, जरूर उन्हें फॉलो कीजिए। जो डिटेल्स आपको चाहिए वो मैं राइटअप में भी लिख दूंगी, सो यू कैन गो देयर, चेक इट आउट एंड देन गो फॉलो हर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, दिस इज श्रुति ऑन माई सेकेंड नेचर।